भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर सोमवार को बेनीपट्टी के दामोदरपुर गांव पहुंचे, जहां वे मृतक मुन्ना झा के परिजनों से भेंट कर घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा कि घटना वाकई दुखदायक है। जिस दिन घटना हुई वे उसी दिन पुलिस के वरीय अधिकारियों से बात किए और स्पष्ट रूप से कहा है, घटना में संलिप्त एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना भी नहीं चाहिए। श्री ठाकुर ने मृतक के पिता हर्ष नारायण झा उर्फ हरकू झा, मृतक की मां और छोटे भाई से भेंट की। घनश्याम ठाकुर ने कहा कि दोषियों को प्रशासन जल्द गिरफ्तार करेगी। उन्होंने जिला पुलिस कप्तान से घटना में संलिप्त दोषियों की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि गत शुक्रवार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गाँव के बछराजा नदी के पुल के नीचे एक युवक का शव पाया गया था, जिसकी अपराधियों ने हत्या कर सब को पुल के नीचे फेंक दिया था। मुन्ना झा को कुछ लोग बाइक पर बैठाकर घर से ले गए थे और सुबह में उस लड़के का शव पुल के नीचे मिला। मृतक के पिता हर्ष नारायण झा और फरकू ने इस मामले में 7 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ हत्या किए जाने के आरोप में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस नामजद के 7 अज्ञात को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए मृतक के परिजनों से मिलने के दौरान घनश्याम ठाकुर क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं। भारत सरकार मजबूती के साथ खड़ा है। हम लोग पैकल भोर में वहाँ पटना लाइट में पहुंच लो घर पर आप हम देखने लो तो हम इनका खबर के लिए नहीं कब जे हम सब तब हनुमान जी ने जीरे सिंहाचार्य के दिखा दे लगातार इस घटना के बाद में DSP से SP से बात करके हम सब अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।